वेलकम है टू अच्छा एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में हम मीना जाति के विषय में बात करेंगे, मीना जाति के इतिहास के कुछ संदर्भों को यहाँ पर जो है व्याख्या करेंगे। तो यदि आप मीना समाज से आते हैं या किसी भी समाज से आते हैं और भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं बिना जातिवाद किए हुए, भेदभाव किए हुए, ऊपर नीचे किए हुए, यदि आप किसी भी समाज के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा काम है कि आप सभी की जिज्ञासा को शांत करना, क्योंकि इंटरनेट पर हजारों लाखों प्रश्न ऐसे ढूंढे जाते हैं। तो उस कीवर्ड पे एक कीवर्ड है मीना जाति के इतिहास। तो मीना समाज कहें, मीना जाति कहें या मीना जनजाति कहें, तो उनका इतिहास क्या है। दोस्तों, मीना लोग वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं, वैदिक संस्कृति के अनुयायी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो प्राचीनतम जो संस्कृति था हमारा वैदिक कल्चर या वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट बाद वाला जो सिविलाइजेशन था उसको हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, अर्थात मीना जाति जो है के लोग जो है वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं। वेद चार है, जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ये चार वेद हैं। तो मीना जाति के लोग उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मीना जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के दसवें अवतार जो मत्स्य अवतार हुआ था वहीं से लिया गया है। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मीना मूल रूप से खानाबदोश जनजाति है, मीना खानाबदोश जनजाति है बेसिकली। अब खानाबदोश जनजाति है क्योंकि प्राचीन काल में जनजाति थे, बाद में जो है उनकी पूजा पद्धति और प्राकृतिक पूजक के रूप में जो है आगे बढ़े, क्योंकि भगवान विष्णु के जब दसवें मत्स्य अवतार के रूप में अपने आप को ये समाज जोड़ते हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मीना को आपराधिक जनजाति माना था, अर्थात हम कह सकते हैं माना क्या, घोषणा कर दिया था। घोषणा इसलिए करता था क्योंकि जो भी नेशनल सेंटीमेंट के साथ जुड़े हुए समाज थे, जो भी राष्ट्रीयता प्रमुख रखते थे समाज, उनको आपराधिक जनजाति, बहुत सारे ऐसे जनजातियों को या जाति को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपराधिक मान बैठा था। जैसे कि आपको कोल समाज है या इत्यादि कई समाज आपको मिल जाएंगे जिनको आपराधिक जनजाति या जाति के रूप में घोषणा कर दिया गया था, कोली समाज को भी कर दिया गया था। मीना राजा अंबर समेत राजस्थान में है, समेत राजस्थान के कई इलाकों के शुरुआती शासक के रूप में भी इनका इतिहास रहा है, मीना जनजाति का या मीना जाति का जो भी आप कहें उनका इतिहास। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति से इनका आगमन हुआ, वैदिक संस्कृति काल से इनका एक जो है समाज बना। आगे चल के या उसी समय में आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के जो दसवें अवतार हुए मत्स्य अवतार, तो वहाँ से ये अपने आप को जोड़ने लगे। और इसीलिए भी शब्द भी देखिए, मीना का अर्थ क्या होता है, मछली, अर्थात मछली, और मीना अर्थात भगवान विष्णु के दसवें अवतार मत्स्य अवतार के रूप में वो अपने आप को जोड़ते हैं। मीना जनजाति के लोग भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा भी करते हैं, यह भी सच्चाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि मीना जनजाति के लोग भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं। मीना शब्द का मतलब जानते हैं सब लोग, अधिकांश भाई लोग जानते होंगे कि मछली होता है। मीना जनजाति के लोग प्राकृतिक के पूजक होते हैं, प्राकृतिक पूजक होते हैं मीना जनजाति के लोग। मीना जनजाति के लोग प्राचीन जनजातियों में से एक है, यह भी जानकारी होना चाहिए। जनगणना 2011 के मुताबिक राजस्थान में मीना की जनजाति की आबादी लगभग 43.46 लाख था। मीना जनजाति राजस्थान की कुल जनसंख्या आबादी की लगभग 47% है दोस्तों, यह भी आप समझ सकते हैं। और मीना जनजाति के लोग जो है के मुखिया को पटेल कहते हैं, अर्थात पटेल सर ने मीना जनजाति, मीना जाति के लोग भी लगाते हैं, मीना जनजाति के लोग पटेल सरनेम का यूज होता है। क्योंकि यदि हम पूरे सामाजिक व्यवस्था के देखें पूरे भारतवर्ष में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक जो जनजाति ST जो अभी शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में पहचाने जाते हैं, तो प्राचीन काल में हम लोग सभी क्या थे, ट्राइबल पीपुल ही तो थे। धीरे धीरे जो है सनातन हिंदू धर्म, क्योंकि ट्राइबल जनजातीय समाज जो है वो मुख्य रूप से किसके पूजक होते हैं, वो प्राकृतिक के अर्थात नेचर के पूजक होते हैं। और हिंदू सनातन धर्म भी किसका पूजक है, तो गॉड ईश्वर का भी पूजक है और साथ में नेचर का भी पूजक है। जैसा कि आप देख
ते हैं बहुत सारे पूजा पाठ जो होता है जिसमें भगवान सूर्य देवता चंद्र देवता इत्यादि की भी पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है, ये सब प्राकृतिक है, जल की पूजा होती है। इसी वजह से मीना जाति के इतिहास सनातन हिंदू परंपरा के इतिहास और भी कई ऐसे जनजातियों के इतिहास जो है आपस में समावेश बनाकर जो है देश में रहते हैं और बहुत ही उनका इतिहास प्राचीन इतिहास है और पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ इतिहास है। आई होप सो कि मीना जाति बहुत ही एक नेशनलिस्ट टाइप के जो है वो समाज हैं, बहुत ही राष्ट्रभक्त समाज हैं, बहुत ही देश प्रेमी समाज हैं, तो इसलिए भी मीना जाति के इतिहास को आपको जानकर मोटिवेट आप हो पाए कि नहीं, मोटिवेशनल लगा कि नहीं। यदि लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।